Janhvi, I love the trailer. I've seen the way you have worked hard. आपका जो stance है वो एकदम perfect है. आप duck कर रहे हो bouncer के लिए वो एकदम perfect है. कितनी मेहनत लगी है training करने में और कितने time से आप train कर रहे हो अपने आप को? बहुत मेहनत लगी. Honestly, I think 2 साल की training रही थी. मिली या गुड लक जेरी के प्रमो मिली के वक्त मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी. 2 साल लग गए और हमारे निर्देशक जो है वो काफ़ी प्योरिस्ट बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और वो चाहते थे कि मैं पूरी तरह से क्रिकेटर बन जाऊं. वो किसी तरह की चीटिंग नहीं करना चाहते थे कि VFX में डाल देंगे या आधा अधूरा काम. वो पूरी तरह से चाहते थे कि मैं इस दुनिया में मिल जाऊँ, जुड़ जाऊँ. काफ़ी इंजरीज भी हुए, मेरे दोनों शोल्डर्स डिसलोकेट हो गए, लेकिन पूरा क्रेडिट इनको जाता है, मेरे दो कोचेस को जाता है, अभिषेक नायर और विक्रांत सर, जिन्होंने इतनी मेहनत की है. और हर मोड पर मुझे ऐसे लगता था कि अरे यार गिव अप करना चाहिए, नहीं हो रहा है, मतलब मेरी बॉडी गिव अप कर रही थी, लेकिन उनसे मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी हर मोड पर उनसे. और जब भी मैं इनकी विजन को समझती थी, इनके पैशन को देखती थी, तो गुस्सा भी आता था, चिढ़ भी जाती थी, लेकिन झगड़ झगड़ के हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं. और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप सबको होपफुली 31 मई को नतीजा दिखेगा और पसंद आएगा. इसके बारे में हमें कोई डाउट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है शरण. फिल्म है परफेक्ट पार्टनरशिप पर, आपकी लाइफ में आपका परफेक्ट पार्टनर कौन होगा और कैसे होगा? ऐसा इंसान जो कि मेरे सपनों को अपना सपना बना दे, जो कि मुझे हिम्मत दे, मुझे बढ़ावा दे, मुझे खुशी दे, मुझे हंसाए, और जब मैं रोती हूँ तब भी मेरा साथ दे, ऐसा कोई इंसान चाहिए मुझे. आपके पास है? ऑल द बेस्ट. यू मिलना मुश्किल है. मिल जाएगा. ऑलरेडी है ना बाजू में. ओके, कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. किसके पास में सवाल? हम फिल्म बड़ी अच्छी देखी, हिट थी, लगता है ये फिल्म भी हिट होने जा रही है. अब क्या लगता है? आपके मुंह में घी शक्कर लगता है. राजकुमार राव जी, कुछ बताइए इस फिल्म के बारे में एक्सपीरियंस. गानों के आवाज, गाना बड़ा अच्छा लगा हमें पंजाबी. थैंक यू सो मच सर. ये दो जादूगर इधर ही बैठे हैं, जानी और फैज. बहुत प्यारा गाना है, मेरा भी बहुत फेवरेट है. हम सुन सुन के बड़े हुए इस सॉन्ग को, और उसको इतना अच्छे से उसको एक नई आवाज़, एक नई कंपोजिशन दी है जानी ने. फैज ने इतना सुंदर गाया है, और मुझे पता है लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस गाने का, तो बहुत जल्दी आने वाला है बाहर. सो म्यूजिक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. आई थिंक हिंदी फिल्म में म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं हर कहानी का, कहानी को आगे लेके जाने का. जो हमारी फिल्म में जिस तरह का म्यूजिक है वो कहानी को कहीं ना कहीं आगे लेके जाता है. और आपने मैरी कॉम की बात की, ऑफकोर्स मुझे भी बेहद पसंद आई थी. बहुत कमाल का काम किया था यू नो प्रियंका ने उसमें. हमारी फिल्म मैरी कॉम से लेकिन अलग है उस मायने में. मैरी कॉम बायोपिक थी, लेकिन हमारी फिल्म जो है वो दो लोगों के बारे में है. ये एक फिक्शनल कहानी है, लेकिन बहुत रिलेटेबल है. ये हम सब की कहानी है. ये यू नो बाप बेटे की कहानी है, ये हस्बैंड वाइफ की कहानी है, ये दोस्तों की कहानी है. तो उस लिहाज से काफ़ी अलग है. लेकिन आपने कहा कि हिट हो जाए, तो उसके लिए शक्कर तो जानवी ने दे दिया है. उसके अलावा आपको जो भी पसंद है सर, वो सब आप ले लो. काम कर रहे एक दूसरे के साथ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है एक दूसरे के साथ शूट करना? और जब पता चला कि दोनों इस मूवी के लिए, जानवी को जब पता चला राज है, आपको जब पता चला जानवी, तो क्या रिएक्शन रहा आपका पूरा? हमने साथ में पहले काम किया है. हालांकि उस फिल्म में इतना काम नहीं था साथ में हमारा, एज इन लाइक बिकॉज शी वॉज प्लेइंग अ गोस्ट, तो वो इतना हमारे इंटरेक्शन नहीं था, इतना बहुत ही वन साइडेड था. लेकिन इसमें हमको पूरा मौका मिला है एज एक्टर्स टू परफॉर्म, टू प्ले आउट द सीन्स. और हमारे शरण इतने बेहतरीन निर्देशक हैं, तो उन्होंने जो एनवायरमेंट हमें दिया था ना सेट पे बनाकर us just to perform, it was beautiful, it was magical. वो सेट पे अगर आप होते, आपको इतनी अच्छी एनर्जी आती ना उस सेट से, तो बहुत मजा आया. I was thrilled, of course, कि जानवी है फिल्म में, because एक comfort level है, बहुत ही उम्दा कलाकार है, बहुत मेहनती है, बहुत passionate है. When you have somebody like you know जानवी in front of you, it's always fun to explore those scenes together. खेलना, कोच करना, उसके अलावा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था शूटिंग के दौरान? ऐसा कोई सीन, ऐसा कोई मौका जो क्रिकेट के अलावा ज्यादा चैलेंजिंग लगा हो आप दोनों? सर ऑफकोर्स स्पोर्ट्स तो टफ था ही, जैसे आपने ठीक कहा, पर उसके अलावा बहुत सारे मोमेंट्स हैं हमारी फिल्म में.
यू नो जैसे मैंने पहले कहा था फादर सन की जो रिलेशनशिप हम जो एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारी कहानी में, उससे बहुत सारे लड़के रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज हम में से बहुत सारे ऐसे हैं, छोटे लाखों करोड़ लोग हैं दुनिया में जो शायद कुछ और करना चाहते थे लाइफ में, उनका कुछ पैशन था लेकिन फैमिली प्रेशर या सोशल प्रेशर के चक्कर में वो नहीं कर पाए और आज वो कुछ और कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिलेट कर पाएंगे, जो शायद अभी भी कुछ करना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे उसको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं मेरे और कुमुद सर के, जानवी के और उनकी फैमिली के बहुत सारे मोमेंट्स हैं, जहाँ पे ट्रेलर में भी है कि फादर ने बोला डॉक्टर बन जाओ तो डॉक्टर बन गई, बट अपना पैशन क्या था, अपना सपना क्या था वो कभी सोचा ही नहीं। और हम दोनों के स्पेशली आई थिंक मिस्टर और मिसेज माही के आपस में देयर सम रियली ब्यूटीफुल यू नो प्योर मोमेंट्स, जो मैं बोलूँगा मेरे करियर के कुछ एक अगर सीन्स निकाल के देखे जाएंगे बाद में कभी, तो उनमें से कुछ सीन्स इस फिल्म में है। कोई चैलेंजिंग मोमेंट इस फिल्म में? चैलेंजिंग मोमेंट जैसे कि राज सर ने कहा बहुत सारे मोमेंट्स है, सानी मैम आपने राज सर क्यों बुलाया, क्यों ये स्टेज पर आके अचानक से सबको सर सर बुलाने का मन कर रहा है? नो यू डोंट गेट सर, आई एम कॉलिंग निर्देशक फॉर सो लॉन्ग जी, निर्देशक जी। नहीं ऐसे काफी मोमेंट्स रहे थे बट ऑनेस्टली जैसे कि राज ने पहले भी कहा था कि जो एनवायरमेंट शरण सर ने हमारे लिए बना के रखा था सेट पे, उस चीज ने हमारे काम को थोड़ा और आसान बना दिया था, लेकिन हर मोड पर हर सीन के वक्त आई थिंक हम सब की गुंजाइश ये थी कि हम सच्चाई को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहे थे। तो हर मोमेंट का यही था कि हम जितने ऑनेस्ट रह सके, हम वी वर ट्राइंग टू बी एज ट्रूथफुल एंड एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। तो आई थिंक वो चीज़ की ढूंढ हमेशा रही थी पूरे फिल्म में। कई बार मुश्किल हो जाता था क्योंकि ऑफकोर्स शूट स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन जब मैंने फिल्म देखी थी तो मुझे भी काफ़ी, अभी आप ऐसे सवाल पूछ रहे ऐसे लगने लगा कि मैं बस अपनी फिल्म की तारीफ कर रही हूँ, लेकिन मन करता है क्योंकि बहुत आई थिंक अच्छी फिल्म बनाते हैं तो प्राउडली उसके बारे में बात करनी चाहिए जानवी, बहुत अच्छी फिल्म है। सर आपके लिए एक सवाल था कि जब हम किसी टॉक टू यू अ लिटिल बिट अबाउट method dressing that you spoke about recently, and we have been seeing a lot of that, you know, in, during promotions even today. And you also spoke about how you were inspired by Zendaya and Urfi for the same. Can you tell us a little bit about that, and if you did give Raj any feedback in terms of styling? I offered him a couple of cricket brooches, but he said, "Nahi, ye sab to me karo." Well, no, I think honestly, every time we promote a film, the makers and the teams, they always tell us to dress similar to our characters. And I only ever did that in Dhadak, but then I realized that there is a fair amount of attention on how I dress, on how all of us as actors dress and how we look, and that becomes a talking point. And I think that what these people have done, Urfi, Zendaya, even Anya Taylor-Johnson, and I think even Alia during Gangubai, Rocky or Rani, I think they've done it so beautifully because it not only has recall value for the film, but it brings the attention back to the film. It's just one more trope and I'm having fun with it. I love dressing up. It feels like a, I don't know, like wo school mein ek assignment milta hai na ki abhi. So I'm treating it like that. Each look, me and my stylist were sitting and we're discussing ki kya karna chahiye aaj, bag ball ka pehnungi, kal earrings ko. So it's just, I'm just having a lot of fun with it. I don't know how much it's helping the film. I know it's become a little bit of a talking point. I hope, if nothing else, at least wo niche hashtag to aa raha hai Mr. and Mrs. Mahi. So there's some amount of awareness and that's all I want. Yeah, just one more question.